क्या हाल? उम्मीद करता हूँ तुम सब बढ़िया ही होगे। तो बेसिकली ये इंट्रो है मेरे इस वीडियो का। तो मैं कल सीपी गया था फिर से, और मैंने एक व्लॉग शूट करा है। ये मेरे पिछले वाले व्लॉग से काफ़ी अलग है, और इसमें मैंने सीपी की हिस्ट्री बताई है थोड़ी सी, और याद से इसे देखना पूरा कि मैंने इसके लिए अलग से पढ़ाई भी करी है। और वैसे तुम्हें शायद से लगेगा नहीं कि ये मैंने ही बनाई, क्योंकि मैंने इसमें कोई बकचोदी नहीं करी, बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा सा मैंने एक तरह से प्रोफेशनल वर्क करने की कोशिश करी है। तो अब वीडियो देखो और उसे इंजॉय करो, पूरी देखना, और वो लाइक शेयर कमेंट और तुम वो कर ही देना, बढ़िया रहेगा। बाय। आज हम आए हैं कनॉट प्लेस। आज हम कनॉट प्लेस की हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ बात करेंगे। तो कनॉट प्लेस, या फिर इसे आप लोग राजीव चौक के नाम से भी जानते होंगे, तो ये दिल्ली के सबसे फेमस इलाकों में से एक है। सबसे ज़्यादा लोग घूमने के लिए यहाँ पर आते हैं जब भी वो अगर दिल्ली आते हैं या दिल्ली में रहते हैं। तो ये जो जगह है यानी कि कनॉट प्लेस, ये बेसिकली ये दिल्ली में आज़ादी से भी पहले का बना हुआ है। जब हमें 1947 इंडिया आज़ाद हुआ था, ये उससे भी पहले का है। इसे एडविन लुटियंस और रॉबर्ट टॉर रसेल, दो आर्किटेक्ट्स ने मिलकर इसे बनाया था। अब आप में से बहुत सारे लोग अब अगर देखोगे नेट पे, तो कहीं कहीं पर एडविन लुटियंस और कहीं कहीं पर रॉबर्ट टॉर रसेल दोनों ही दे रखे हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन दोनों के बीच में कोई कंफ्यूजन है या फिर दोनों में से किसी एक ने बनाया, नहीं। तो सबसे पहले इसकी डिज़ाइन की शुरुआत करी आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस ने, और इस जगह को बनाने की शुरुआत हुई 1929 में। तो जब इसका काम चल रहा था, तो इस पर एडविन लुटियंस और उनके जो साथ उनके साथ ही WH निकलस, ये दोनों इस प्रोजेक्ट पर साथ काम कर रहे थे, पर किसी वजह से उन दोनों को ही वापस इंग्लैंड जाना पड़ता है, जिस वजह से इसका काम बीच में ही रुक जाता है। तो फिर इस जगह को पूरा करने की जिम्मेदारी रॉबर्ट टॉर रसेल के कंधों पर आ जाती है, जिस वजह से इसके आर्किटेक्ट्स के नाम पर आपको रॉबर्ट टॉर रसेल और एडविन लुटियंस दोनों का ही नाम मिलेगा। एडविन लुटियंस ने इसके साथ साथ दिल्ली के और भी बहुत सारी फेमस जगहों को डिज़ाइन किया था। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि इंडिया गेट, नेशनल म्यूज़ियम, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ये सारी उनकी जानी मानी आर्किटेक्चर्स के एग्जाम्पल है। तो ये बेसिकली जॉर्जियन स्टाइल का आर्किटेक्चर है जो इन्होंने इसको बनाने में यूज़ किया है, और इसका डिज़ाइन काफ़ी हद तक एक हॉर्स शू यानी कि घोड़े की नाल जैसा है। यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक सर्कल के डिज़ाइन जैसा स्ट्रक्चर है। तो इसके अंदर दो सर्कल्स यानी कि एक अभी जो हम जहाँ पर खड़े हैं ये अंदर वाला सर्कल, और यहाँ से बाहर निकलते हुए बाहर वाला सर्कल, दो सर्कल्स जिसके साथ में इसी जो ये रोड है इसके जैसे टोटल 7 रोड्स अंदर और बाहर वाले सर्कल से कनेक्टेड हैं। एक ये रोड और इस सर्कल के चारों तरफ जो रोड्स है, टोटल ऐसे 6 और रोड्स हैं, और सामने की तरफ है सेंट्रल पार्क। और यहाँ से आप लोग इसको बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं इस डिज़ाइन को,
ये सामने की तरफ ये सेंट्रल पार्क है जो इस डिज़ाइन का सबसे मेन हिस्सा है। ये कनॉट प्लेस के बिल्कुल बीचों बीच बसा है, इसलिए इसका नाम सेंट्रल पार्क है। और यहाँ से आप वो सर्कुलर डिज़ाइन का जो स्ट्रक्चर है, जो आर्किटेक्चर है, उसको साफ साफ देख सकते हैं। यहाँ से ये पूरा का पूरा पार्क भी एकदम ऐसे गोल गोलाई में बना हुआ है, और उसके बाद यहाँ पर ये सर्कल आके पूरा होता है। और इसका नाम राजीव चौक पड़ा 1995 में जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने, जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे सर पीवी नरसिम्हा राव। तो उन्होंने, उनसे पहले आए प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के नाम पर इस जगह का नाम कनॉट प्लेस से बदलकर राजीव चौक रख दिया। और सर पीवी नरसिम्हा राव जो थे वो पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जो कि साउथ इंडिया से बिलोंग करते थे। और अभी हम इस जगह की दूसरी मेन जगह की तरफ जा रहे हैं। तो अभी हम यहाँ इनर सर्कल की तरफ थे, अब हम यहाँ से आउटर सर्कल वाली तरफ जा रहे हैं। और इस डिज़ाइन की सबसे ख़ास बात यह है कि इसको किसी भी मौसम में आप आराम से पूरा घूम सकते हैं, और स्पेशली बारिश में भी। अगर बारिश में भी आप यहाँ आते हैं तो इस जगह को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आप बिना किसी परेशानी के इसको पूरा घूम सके। यू नो, वक्त के साथ साथ बहुत सी चीज़ें यहाँ पर बदली भी हैं, बट इसका ये जो पुराना जो डिज़ाइन है जो कि आज भी कायम है, जिस वजह से ये बहुत ही शानदार लगता है। तो अब हम आ चुके हैं इस जगह के दूसरे हिस्से की तरफ जो कि है इसका आउटर सर्कल, यानी कि अब हम इसके दूसरी तरफ आ चुके हैं राजीव चौक के। पहले हम अंदर की तरफ थे, अब हम बाहर की तरफ आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं डिज़ाइन में कोई फ़र्क नहीं है, पूरा का पूरा डिज़ाइन इस तरफ भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि अंदर की तरफ। वही जॉर्जियन स्टाइल का आर्किटेक्चर पिलर्स के साथ, और वही वाइट पेंट। इसी की वजह से कनॉट प्लेस आज भी उतना ही सुंदर लगता है जितना कि ये पहले के टाइम में था। वक्त के साथ साथ जो भी बदलाव यहाँ आए हैं उनकी वजह से कनॉट प्लेस में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, ये आज भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि ये पहले के टाइम में था। ये देखिए बिल्कुल वैसा ही है। और इस जगह की सबसे मेन बात यह है कि यहाँ बहुत ज़्यादा हरियाली है, यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे, तो इसलिए ये जगह काफ़ी हरी भरी भी लगती है। तो अब मैं वापस से अंदर की तरफ जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस जगह पर आकर ऐसा लगता है कि हम वापस से पुराने टाइम में पहुँच चुके हैं। वो क्लासिकल ओल्ड स्टाइल जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो, जैसे कि आप देख सकते हैं इस पूरी बिल्डिंग पर, और ये पुराने डिज़ाइन का ये मेन गेट और ये पूरी बिल्डिंग बिल्कुल पुराने वक्त की फील देती है। तो अब मैं वापस से अंदर की तरफ जा रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं वापस यहाँ पर अंदर की तरफ आ चुका हूँ। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा पालिका बाज़ार की तरफ जाऊँगा, बट वैसे पालिका बाज़ार जाने का कोई फ़ायदा तो नहीं होगा,
बिकॉज वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब व्लॉग एंड करने का वक्त आ चुका है, और रियली सॉरी कि मैं आपको सेंट्रल पार्क की फुटेज नहीं दिखा पाया। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि मैंने आपको जो इसका स्ट्रक्चर है अंदर और बाहर दोनों तरफ से मैंने आपको दिखाया, बट सेंट्रल पार्क में आपको इसलिए नहीं दिखा पाया बिकॉज सेंट्रल पार्क अभी क्लोज्ड है। सेंट्रल पार्क में एंट्री कर ही नहीं सकते अभी, तो इस वजह से मैं वहाँ की फुटेज नहीं दिखा पाऊँगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तुम्हें तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना तुम्हें कैसी लगी, और शेयर कर देना वीडियो को, और अगर चैनल पे नए हो तो याद से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं इसी के जैसे और भी व्लॉग्स आपके लिए कुछ फेमस जगहों को लाता रहूँ। तो थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।